हेलो एवरीवन, आप सभी का हलचल इन बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ मयूरी कांगो के बारे में। इस नाम से अगर आपको कोई एक्ट्रेस याद आती है, अगर आपको याद नहीं भी आती है तो यह भी सही है, क्योंकि यह एक्ट्रेस अब बॉलीवुड में एक्ट्रेस के तौर पर काम नहीं करती, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रही है। लेकिन एक वक्त था जब यह एक गाने से बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। आपको घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गाना तो याद होगा। उस गाने में और उस फिल्म में, जिसका नाम था पापा कहते हैं, से यह एक्ट्रेस बहुत पॉपुलर हुई थी और बहुत लोगों को इनकी मासूमियत भी पसंद आई थी। मयूरी कांगो से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका देंगी। मयूरी कांगो ने 15 साल की उम्र से ही फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्हें सबसे पहले अख्तर मिर्जा की नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी नसीम में साइन किया गया था। उस वक्त मयूरी कांगो अपनी 10वीं का एग्जाम देने वाली थी। उस वक्त उनकी तरफ से फिल्म को लेकर बहुत टालमटोल की गई थी, लेकिन आखिर में उन्हें यह फिल्म करनी ही पड़ी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मयूरी ने अपने एक्टिंग करियर के लिए IIT कानपुर जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन तक नहीं लिया। इसके बाद आपने इन्हें बेताबी, होगी प्यार की जीत और बादल जैसी फिल्मों में देखा होगा। मयूरी ने 16 से भी अधिक फिल्में की हैं, पर उसमें से आधी से भी अधिक फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। फाइनली मयूरी ने अपने फिल्म करियर को छोड़ दिया और 2003 में NRI आदित्य ढिल्लन से शादी करके US में जाकर बस गई। वहाँ पर उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया और न्यूयॉर्क बेस्ड डिजिटल कंपनी 360i में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के तौर पर अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की। वह वहाँ पर 2004 से 2012 तक काम करती रही। 2012 में जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो वह इंडिया में वापस आकर बस गई। अभी वो गुड़गांव में रहती हैं। एक्ट्रेस वापस से फिर से सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड के तौर पर ज्वाइन किया। आप शायद बॉलीवुड में गिने चुने सितारों को ही जानते होंगे जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मयूरी को बिजनेस वर्ल्ड में ये मुकाम इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि एक एक्ट्रेस दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती। उन्हें भी इस बात को इस इंडस्ट्री में साबित करने में और लोगों की इस मानसिकता को तोड़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उन्हें काफ़ी वक्त भी लगा। खैर, आज उनकी उपलब्धि अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद कर देती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।